दमोह के प्राइवेट बस स्टैंड क्षेत्र में देर रात भीषण आग का तांडव देखने को मिला है। देखते ही देखते आधा दर्जन से अधिक बसों में आग भड़कते देर नहीं लगी। वहीं अफरा तफरी भरे हालात में रात 2 बजे के बाद बस स्टैंड पर स्थानीय निवासियों के साथ भारी संख्या में पुलिस तथा अन्य लोगों की मौजूदगी भी नजर आने लगी। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहां खड़ी अन्य बसों को हटाने की कार्यवाही भी शुरू कराई गई। वहीं मौके पर CSP अभिषेक तिवारी, कोतवाली TI HR पांडे, मगरौन थाना प्रभारी अभिषेक यादव सहित अन्य पुलिसकर्मी सक्रिय हो उठे। बाद में रणनीतिक तरीके से आग को बुझाने की कार्रवाई शुरू की गई। इस दौरान कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंच गई। अन्य जगह से भी फायर ब्रिगेडों को बुलवा लिया गया और उसके बाद में आग को बुझाने की कार्रवाई शुरू की गई। करीब 2 घंटे में आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक अधिकांश बसों के हिस्से जलकर खाक हो चुके थे। यह हादसा इतना भीषण था कि अंदाजा लगाया जा सकता है यदि रणनीतिक तरीके से आग पर काबू नहीं पाया गया होता तो यह आग जंगल की आग की तरह शहर में अन्य क्षेत्रों में फैलकर विकराल और भूषण रूप धारण कर सकती थी, क्योंकि बस स्टैंड से कुछ ही दूरी पर दमोह जिला अस्पताल का पिछला हिस्सा भी संचालित है। हाँ कहते, हमने देखा कि बस के पीछे लगी है आग। फिर हमने ड्यूटी वाले को बताया, ड्यूटी वाले ने तुरंत पुलिस और फाइव एटर को फोन लगाया। बस इतनी बात और पुलिस में आ गई आग हो गई। बस स्टैंड पॉइंट पर आरक्षक देवेंद्र द्वारा एवं कंट्रोल रूम द्वारा हमें सूचना दी गई थी कि बस स्टैंड पर जो है कुछ बसों में किन्हीं कारणों से जो है आग लग गई है। मौके पर तत्काल कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी कोतवाली, रात्रि गश्त के दौरान थाना प्रभारी मगरौन, अन्य बाज स्टाफ और अन्य जो भी अधिकारी जिले में उपलब्ध हैं तत्काल मौके पर पहुँचे और आग पर नियंत्रण पाने का प्रयास किया गया। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर नियंत्रण पा लिया गया है। फिलहाल किसी भी व्यक्ति के हानि होने की कोई सूचना नहीं मिली है, तलाश जारी है। सर कितनी गाड़ियाँ मिली? लगभग 7 बसें हैं जिन पर आग की सूचना थी और सभी पर जो है वो काबू पा लिया गया। सर कारण स्पष्ट हो पाया कैसे? कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया, इसकी जांच की जाएगी और आगे जो भी है वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।